हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी हो। अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहाँ हम बात करते हैं मेकअप स्किन केयर फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे आप लोग नेचुरल नेल्स पे नेल पेंट को, अपना जो नेचुरल नेल पेंट होता है जो नॉर्मली आपको सब जगह पे मिल जाएगा, ऐसे नॉर्मल नेल पेंट को आप लोग कैसे लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हो और कैसे उसको थोड़ा सा जैज़ अप कर सकते हो। अभी क्रिसमस आ रहा है और हॉलीडे सीजन है, राइट? तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के नेल्स भी बहुत अच्छे अच्छे लगे मेकअप के साथ। नेल्स भी अगर बहुत अच्छे से आपने किए होंगे तो ओवरऑल लुक आपका बहुत ही प्यारा लगेगा, राइट? फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक नेल पिलो लिया है मैंने, अगर आपके पास नहीं भी रहेगा तो नो प्रॉब्लम, आप वैसे नीचे रख सकते हो अपने हाथ को। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने नेल्स को क्लीन कर लेना है। ठीक, आपके पास जो भी एसीटोन है, नेल रिमूवर है ना, इससे अपने नेल्स को, जो वाइप्स है, नेल वाइप्स या कॉटन वाइप्स ऐसे रहेंगे तो अच्छा है, उससे ऐसे क्लीन कर लो पहले अपने नेल्स को। ओके, एक बार आप अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन कर लोगे तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, नेल्स को कट करना। तो आपको आपके नेल्स को कट करना है, जितना लॉन्ग आपको चाहिए आप लोग रख सकते हो। अभी भी मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो मैं इसलिए कट नहीं कर रही हूँ नेल्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, आपको ऐसे फाइलर लेना है, जो भी आपका नेल फाइलर है, और फिर आपको शेप देना है। अगर आप मेरे नेल्स देखोगे ना तो थोड़े से राउंड शेप में है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा राउंड शेप रखा है। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आपको ऐसे स्ट्रेट शेप करना होगा, स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट ये करके, फिर यहाँ से थोड़ा सा और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे शेप करना है। फिर ये थोड़ा सा शेप कर रही हूँ मैं यहाँ से, लेफ्ट राइट सेंटर, वापस ये यहाँ से और साइड से, मतलब सेंटर से, यहाँ से और यहाँ से। बस आपको डायरेक्शन सीखना है, बाकी आप लोग कर लोगे ये कुछ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जैसे हम लोग फेस पे मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाते हैं, राइट? तो वैसे आपको प्राइमर लगाना है सबसे पहले आपके नेल्स पे भी, अगर आपको आपका जो नेल पेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो। तो ये मैंने सैली हैंसन का प्राइमर लिया है और मैं पूरे अपने नेल्स पे अभी लगा रही हूँ। कलरलेस होता है ये, क्या करेगा आपके बस नेल पेंट को एकदम लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। जैसे ही आप लोग ये प्राइमर लगाते हो ना तो बहुत ही अमेजिंग काम करता है ये। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी आप जब ये प्राइमर लगा लेते हो आपके नेल्स पे, उसके बाद अगर आपके पास ऐसे एलईडी लैंप्स होते हैं, ये अगर है तो इसमें आपको ऐसे क्योर करने के लिए आपके नेल्स को इसके अंदर रखना है ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए। अगर आपके पास ये एलईडी लैम्प नहीं है गाइस तो फिर आपको ऐसे एयर ड्राई करना होगा। और अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप लोग बीजीएम कॉस्मेटिक्स से या कॉस्मेटिक स्टोर्स में ये मिल जाता है तो आप लोग वहां से खरीद सकते हो। तो आपको बस 30 सेकेंड्स ऐसे रखना होगा ताकि ये ड्राई हो जाए, क्योंकि हर एक स्टेप करने से पहले पहले वाला स्टेप ड्राई होना चाहिए, फिर ही आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। तो अभी गाइज प्राइमर हो गया है लगा के, अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, बेस कोट लगाएंगे। अगर आपका प्राइमर बेस कोट ऑल इन वन है तो आपको एक ही स्टेप करना होगा, ऐसे दो दो करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये मेरा सेपरेट था तो इसलिए मैं अभी बेस कोट लगा रही हूँ, सैली हैंसन का ही है ये भी। तो एक्चुअली मेरे नेल्स के मैंने बढ़ाए नहीं है क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला कि बहुत वीक हो गए हैं मेरे नेल्स, और जब तक मैं अभी बायोजेल नहीं करवाऊंगी ना तो मैं अपने खुद के नेल्स नहीं बढ़ा सकती हूँ क्योंकि वो टूट जाते हैं जैसे ही बड़े होते। तो इसलिए सॉरी गाइज, मेरे को आपको शॉर्ट नेल्स पे ही सब दिखाना पड़ रहा है, बट आप लोग टेक्निक सीख लो फिर उसके बाद आपके जैसे भी नेल्स से आप लोग कर सकते हो, राइट? तो अभी मैंने ये बेस कोट लगाया है, वापस मैं यहाँ पे अपने लैम्प के नीचे रख रही हूँ हाथ ताकि वो ड्राई हो जाए। अगर आप लोग जेल नेल पेंट कर रहे हो, शलैक कर रहे हो ना, तो आप लोगों को ऐसे यूवी लैम्प की जरूरत पड़ेगी, बट अगर आप लोग नॉर्मल नेल पेंट कर रहे हो तो यूवी लैम्प नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, बट इतना ही है कि यूवी लैम्प में जल्दी जल्दी ड्राई हो जाता है 30 सेकेंड्स में, वरना बहुत देर रुकना पड़ता है, राइट? तो बेस कट हो गया गाइज, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेल पेंट लगाएंगे। नेल रिमूवर पेन है तो आप लोग ऐसे साइड से इसको ऐसे निकाल सकते हो। सो गाइज, अभी एक लेयर लगा के हो गया है, अभी हम लोग अगर आप चाहते हो तो और एक लेयर लगा सकते हो। मैंने और एक लेयर लगाया है गाइज, अभी इसको वापस आपको यूवी लैम्प के नीचे रख के ड्राई करना होगा। नेल पेंट तो लगा के हो गया है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्लिटर लगाएंगे। तो ये ग्लिटर है मेरे पास और ये मैंने शीन से लिया है, आप लोग अमेजोन से ले सकते हो। और फिर ये थोड़ा सा कैसे लगाना है वो देख लो,
तो मैं थोड़ा सा फॉइल पेपर है या मिक्सिंग पैलेट भी आप लोग ले सकते हो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेना है। जो बेस कोट है ना वो आप लोग इसमें मिक्स कर सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, ये ले रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ये बेस कोट का एक ड्रॉप डाल रही हूँ। तो आप लोग डायरेक्टली आपके नेल्स पे भी ये बेस कोट लगा के ग्लिटर उसके ऊपर डाल सकते हो। तो आप ऐसे पेस्ट भी बना सकते हो, और तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। तो ये ऐसे पेस्ट बनाया है मैंने। अभी क्या कर रही हूँ, मैं एक ब्रश ले रही हूँ, ब्रश लेके हम लोग यहाँ पे ऐसे ये ग्लिटर को पेस्ट करेंगे। आपको जैसा चाहिए आप लोग ग्लिटर लगा सकते हो। तो मैं सिर्फ टिप पे लगा रही हूँ, और एक ब्रश है मेरे पास, इससे ले रही हूँ और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ऐसे पुल कर रही हूँ ग्लिटर को। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा वो ऐसे फेडेड ग्लिटर टाइप्स फीलिंग आएगी। हो गया, अभी सेकंड में आपको पूरा ग्लिटर कैसे आपको पूरा लगाना है ना ये भी एक दिखा देती हूँ। बॉक्स है मेरे पास, इसमें से रखो। तो पूरा अगर आपको नेल्स पे ग्लिटर लगाना है, पूरे नेल्स पे, नेल्स के ऊपर अगर आपको ग्लिटर लगाना है ना, तो आपको क्या करना होगा, आपका बेस कोट लेना है। बेस कोट लेके आपको थोड़ा सा स्प्रेड करना है और इसके ऊपर ऐसे आपको डालना है ग्लिटर। अभी मेरे पास ये बॉक्स है, तो जो भी एक्स्ट्रा ग्लिटर है वो सब इसके अंदर गिर जाएगा, यू नो। तो ऐसे करके आप पूरे अपने नेल्स को पूरा ग्लिटरी नेल्स भी कर सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे ऐसे फॉल आउट होता है। और फिर आप ब्रश से भी आपको जैसा चाहिए वैसे उसको प्लेस कर सकते हो। फिर आप लोग लीजिए आपका बेस कोट, अच्छे से इसको और इसको ऐसे एंड में लगाइए। ऐसे ऊपर से टिप पे लगा सकते हो या ऐसे बेस पे लगा सकते हो। इतना होने के बाद आपको फाइनल जो करना है वो है आपको आपका टॉप कोट लेना है। तो ये मेरा टॉप कोट है मेरे पास, तो ये टॉप कोट लेना है और टॉप कोट लगाना है ताकि ये सब कुछ सील हो जाए अच्छे से, और फिर आपको शाइन दिखेगा बहुत अच्छा। लैंप है तो उसमें आप लोग ड्राई कर सकते हो, लैंप नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग डायरेक्टली एयर ड्राई भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जेल नेल पेंट नहीं है, राइट, नॉर्मल ही। तो अगर मेरे लंबे नेल्स होते तो ये बहुत प्यारा दिखता, बट अगर मेरे छोटे छोटे नेल्स है तो उस पर इतना जस्टिस नहीं कर रहा होगा। बट फिर भी मुझे आपको बस टेक्निक सिखाना था कैसे कर सकते हो आप लोग, ये बताना था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जेल एक्सटेंशंस का गाइज मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी फिलहाल मैं अपने नेल्स पे आर्टिफिशियल नेल्स नहीं लगाना चाहती हूँ। सो नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ क्रिसमस पार्टी लुक भी शेयर करने वाली हूँ। सो बने रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, ताकि आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करूँगी आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय एंड टेक केयर।